राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्यालय हमीरपुर की आठवीं की छात्रा महक ने NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया और हमीरपुर जिला में पहला स्थान हासिल किया है, जिससे कि पूरे स्कूल में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वही स्कूल प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने छात्रा महक व उनके अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों को भी इसके लिए बधाई दी। प्रधानाचार्य ने महक को इसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो आठवीं से नौवीं में आई थी हमारी छात्रा महक, नाम है बेटी का। एक SCERT सोलन कंडक्ट करवाते हैं NMMS नेशनल मिडल मैट्रिक स्कॉलरशिप मेरिट स्कॉलरशिप, उसमें वो बेटी ने स्टेट में सेकंड पोजीशन ली है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है। तो बहुत बड़ी स्कूल के लिए एक गर्व की बात है कि बेटियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और स्टेट में सेकेंड आ गई तो मैंने रखा है और 138 उसका स्कोर है, 138 नंबर अंक लिए हैं उसने। तो यही है कि अगर मेहनत करें, हार्डवर्क करें, तो इस बेटी को भी टीचर्स ने वैसे ही पढ़ाया है जैसे और बच्चियों को पढ़ाया जाता है। तो बाकी सभी बच्चों से हमारा ये उनको यही संदेश रहता है कि इस उम्र में अगर मेहनत करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग पे करेंगे। तो एक मेरिट वो स्कॉलरशिप का टेस्ट था जो कि दिसंबर के महीने में 5 नवंबर को करवाया गया टेस्ट होल्ड पर। पूरी स्टेट में ही इकट्ठे कंडक्ट होता है, जबकि सारी ही छात्राएं जो कि उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, रिटर्न टेस्ट दिया, उसकी ये एक रिजल्ट है। वही महक ने बताया कि NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों और अभिभावकों को दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत मेहनत की थी, जो कि आज रंग लाई है। वे अपनी इस सफलता से बेहद खुश हैं। मेरा नाम महक शर्मा है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और मैंने राष्ट्रीय योग्यता साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति में हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान अर्जित किया है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी मेहनत रंग लाई।